बांसवाड़ा जिले के अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन गर्भवती महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि जिला अस्पताल में सिटी स्कैन करवाने के लिए दूर दराज से आते हैं और सुबह से आकर बैठ जाते हैं और 12 बजे तक सिटी स्कैन नहीं करते हैं और ये कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि आज का टारगेट पूरा हो गया, जल्दी है तो बाहर से करवा लो। इसी बात से नाराज गर्भवती महिलाओं ने नाराजगी जताई और जिला अस्पताल के जिम्मेदारों को अपनी समस्या सुनाई। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि डॉक्टरों का बाहर सिटी स्कैन वालों से कमीशन की सेटिंग है, इसीलिए अंदर सिटी स्कैन नहीं कर बाहर प्राइवेट पर भेजते हैं। हमारा महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा है, यहाँ पे 100 से 150 की तादाद में पर डे महिलाएं हमारे ट्राइबल बेल्ट से दूर दूर से कम 100 से 150 किलोमीटर चल के आती हैं। उसके बावजूद 8:30 बजे सोनोग्राफी सेंटर बंद हो जाता है और ये कह दिया जाता है अगले 8 बजे आना, जबकि 2 बजे तक का टाइम पीरियड यहाँ पे डिसाइड कर रखा है पर्सनल हॉस्पिटल वालों ने। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों को सीधा सीधा यहाँ आसपास के 2-4 हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट हैं वहाँ से कॉन्टेक्ट बना रखा है, तो यहाँ से ये प्राइवेट के लिए डिले करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं और हमारी महिलाओं को सोनोग्राफी नहीं कराते हैं। यहाँ पे बहुत सी महिलाएं हैं जिनका ब्लीडिंग चल रहा है, 10-10, 15-15 दिन हो गए, 15 दिन से ब्लीडिंग चल रहा है। बहुत सी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्मी इतनी है जब 40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे पारा चल रहा है, उस तपिस में अपने छोटे बच्चों को छोड़ के ट्राइबल बेल्ट से यहाँ पे आती हैं, उसके बाद इनको उपचार नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी नाकामी हमारे प्रशासन के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। हम जानना चाहेंगे कि किसी भी कीमत पे हमारे ट्राइबल बेल्ट के अधिकार लोगों का सुनिश्चित और सुनिश्चित उपचार हो और इनको स्वास्थ्य लाभ दिया जाए।